हेलो एवरीवन, माय नेम इज विष्णु। वेलकम टू ट्रेडिंग विद गुप्ता। मार्केट एनालिसिस का ये मेरा पहला वीडियो है और आज से आपको हर रोज रात में 9 o'clock मार्केट एनालिसिस का वीडियो मिलेगा, जिसमें सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे हम सभी का फेवरेट बैंक निफ्टी का, देन हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी का एंड फाइनली देखेंगे कुछ स्टॉक्स को। एनालिसिस दो पार्ट में किया जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे लास्ट फ्राइडे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी कहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ पे क्लोज हुआ और इस बीच में हमें कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए था, कहाँ पे ट्रेड अवॉइड करना चाहिए था एंड हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होता। एंड सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के लिए कल के लिए क्या लेवल होगा, कल कहाँ पे हमें कॉल बाय करना है, कहाँ पे हमें पुट बाय करना है एंड हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा। इससे आपको ये बेनिफिट्स मिलेगा कि आपका एक्यूरेसी लेवल एंड कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा एंड आप धीरे धीरे टेक्निकल एनालिसिस में मास्टर बन जाओगे। तो अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे आने वाले एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, टेक्निकल एनालिसिस, फाइनेंशियल एजुकेशन, ऑनलाइन मनी अर्निंग, ऑप्शन ट्रेडिंग और भी बहुत कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज देखने को मिलेंगे, जो आपको प्रॉफिट अर्न करने एंड फाइनेंशियली फ्रीडम होने में हेल्प करेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट फ्राइडे बैंक निफ्टी ओपन हुआ था 39,432 पे एंड क्लोज हुआ 39,384 पे। तो इस बीच में हमें कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए था, तो इसके लिए हम एक मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाने से पहले हम देख जो है बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट लेवल एंड रेसिस्टेंस लेवल देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट है, तो यहाँ पे हम एक सपोर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे एंड यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा दो हॉरिजॉन्टल लाइन, एक सपोर्ट का और एक रेसिस्टेंस का। तो मार्केट यहाँ पे भी आप देखोगे कि लास्ट फ्राइडे जो मार्केट ओपन हुआ तो इस लाइन पे जो यहाँ पे रेसिस्टेंस लाइन था यहाँ पे फिर से आके सपोर्ट लिया था एंड फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया। तो हो गया सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन एंड फाइनल जो है जो जहाँ पे बैंक निफ्टी लास्ट फ्राइडे को ओपन हुआ था 39,432 पे, वो जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि 25 अगस्त का वो रेसिस्टेंस लेवल है। तो फिर आप चलिए एक मिनट के टाइम फ्रेम पे इसे लगा के देखते हैं कि कहाँ पे मुझे मार्केट, कहाँ पे हमें एंट्री लेना चाहिए था, कहाँ पे एग्जिट होना चाहिए था और क्या क्या ट्रेड हमें मिलता है। क्योंकि हम लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो सिर्फ एक मिनट के टाइम फ्रेम पे ही हम लोग ट्रेड लेंगे, हालांकि एनालिसिस करेंगे हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बट ट्रेड लेना है वो है एक मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, पहले बैक आ जाते हैं, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था कहाँ से वहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और एक मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे कि ये मार्केट यहाँ पे ओपन होने के साथ दो बड़ी सी एक ग्रीन कैंडल बनाया और मार्केट यहाँ से ऊपर गया एंड फाइनली वहाँ से एक रेड कैंडल बना के यहाँ से मार्केट नीचे आया। तो ऊपर कहाँ तक गया था, ये ऊपर गया था 39,587 के आसपास एंड फिर यहाँ से ये नीचे आया और ये नीचे लगभग 39,216 के आसपास तक आया था। तो ये एक सपोर्ट लेवल है जहाँ पे सपोर्ट लिया था एंड आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप दो बार सपोर्ट लिए, एक बार तो यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड फिर यहाँ पे एक बार ये दोबारा से सपोर्ट लिया। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये एक मैंने लिप्स लगा दिया। तो ये एक यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड एक यहाँ पे सपोर्ट लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये दो बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ठीक है। तो ये हो गया मेरा दो बार सपोर्ट, यानी कि अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ का जो ये रेसिस्टेंस लेवल था, इस रेसिस्टेंस लेवल को तोड़ के फिर यहाँ पे वापस आया। तो यहाँ पे आपको एक ये जो ग्रीन कैंडल, ये जो बड़ी सी रेड कैंडल आपको दिख रही है, ये आपको कन्फर्मेशन देता है। तो यहाँ पे आप चाहते तो यहाँ पे आप बाई कर यहाँ पे आप सेल करना था, यानी कि आपको पुट को बाय करना था। तो जैसे अगर आप यहाँ पे पुट को बाय करते तो हमारा जनरली 100 पॉइंट का ही टारगेट होता है, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये कितना पे था देख लेते हैं, ये लेवल 39,385 पे, ये अगर आप ट्रेड लेते तो यहाँ 39,385 को यहाँ ब्रेक किया तो आपको ट्रेड लेना चाहिए था यहाँ पे समथिंग 39,358 पे। आप यहाँ पे अगर पुट को बाय करते देन यहाँ पे आपका जो टारगेट होता सिर्फ 100 पॉइंट का, तो 39,285 वो तो आपको यहाँ पे ही मिल जाता। तो लेकिन आप देखोगे कि मार्केट आया है 39,226 तक। तो एक तो यहाँ पे आपको ये ट्रेड मिल रहा था एंड जैसे ये सपोर्ट लेवल पे आके फिर से एक दो कैंडल कंसोलिडेट किया एंड देन जैसे ये ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो बार बार सपोर्ट लेवल पे आके ये रुका, कंसोलिडेट किया एंड जैसे ये ग्रीन कैंडल बना देन यहाँ पे भी आप चाहे तो
कॉल को बाय कर सकते थे, बट आपको कंफर्मेशन के लिए वेट करना था क्योंकि ऊपर का जो ये वीक देखोगे कैंडल का, ये ऊपर का वीक देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर का सेलर का थोड़ा सा प्रेशर था, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट भी करना चाहिए था। थोड़ा सा वेट करके आप लेते तो ये जो देखो सेकेंड कैंडल जो ये बना है 39,264 के आसपास का, तो ये जैसे सेकेंड कैंडल यहाँ पे क्लोज होता, ठीक है, 39,283 पे जैसे सेकेंड कैंडल क्लोज हुआ, देन यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए था, कॉल को बाय करना चाहिए था। जैसे आप कॉल को बाय करते तो 39,283 आपका 100 पॉइंट का टारगेट था, तो 39,387 ये आपका पहला टारगेट हो गया। तो आप यहाँ पे बाय करते अगर तो आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो आपका कैंडल के नीचे वाला रहता, तो उसके बाद ये रेड कैंडल बना बट यहाँ तक ये आया नहीं। तो बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं कि वो ट्रेड तो लेते हैं बट जैसे ही देखते हैं कि वो एक बड़ा सा रेड कैंडल बना, और यहाँ पे देख सकते हो कि आप इसका वीक देखोगे तो ऊपर से सेलर का प्रेशर भी था, तो वो क्या होता है कि एग्जिट कर लेते हैं ट्रेड, वो अपना लॉस बुक कर लेते हैं। बट यही चीज़ आपको नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो जो इस कैंडल के बाद आपने इस कैंडल पे ट्रेड लिया था, तो आपका स्टॉप लॉस जो है ये प्रीवियस कैंडल का ये निचला वाला जो वीक है यहाँ पे होता, तो आपका स्टॉप लॉस तो हिट हुआ नहीं। आप यहाँ पे देखोगे जैसे अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लेता तो आपका यहाँ पे टारगेट बिल्कुल भी यहाँ पे आपको 100 पॉइंट का टारगेट मिल जाता, हालांकि मार्केट यहाँ से ऊपर तक गया था जो कि रेजिस्टेंस लेवल था, तो कुछ ट्रेडर चाहते थे यहाँ पे वेट कर सकते थे, तो यहाँ पे उसको एक्स्ट्रा 15 पॉइंट्स यहाँ पे उसे और मिल जाता 50 पॉइंट्स। तो यहाँ पे आप देखोगे तो फिर जैसे यहाँ पे वापस से ये रेजिस्टेंस लेवल पे आके फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनता है, देन यहाँ पे आप फिर से कॉल पुट को बाय कर सकते थे, फिर से आप यहाँ पे पुट को बाय करते फिर आपका जो टारगेट है वो यही कैंडल रहता, फिर यहाँ पे आप सेल कर सकते थे, और इस बीच में आपको ट्रेड नहीं लेना था क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपका एक एंड दो ट्रेड हो चुका था, तो यहाँ पे आप ये तो यहाँ पे एग्जिट हो जाते, यहाँ पे अगर थोड़ा सा कंसोलिडेट करता तो आप यहाँ पे एग्जिट हो जाते। बट अगर आप देखो तो फिर ये दोबारा से ये सपोर्ट लेवल पे आके थोड़ा सा वेट किया, थोड़ा सा अप एंड डाउन हुआ और फिर यहाँ से मार्केट अप किया, तो यहाँ पे आपको पहले ही यहाँ पे आप देख चुके थे कि यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे आके थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट करके ऊपर गया था, तो देन आप यहाँ पे दोबारा से भी वो चीज़ कर सकते थे क्योंकि आप धीरे धीरे ये चीज़ें आपको समझ में आएगी कि पहला बार सपोर्ट लेके ऊपर गया, देन फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर अप एंड डाउन जा रहा है, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे। बट यहाँ पे देखोगे कि सेलर का प्रेशर ऊपर से ज़्यादा था तो बहुत से लोग नहीं लेते, तो देन सेकेंड कैंडल पे देखोगे कि यहाँ पे बायर्स का प्रेशर ज़्यादा है सेलर से, देन यहाँ पे आप ट्रेड लेते अगर तो यहाँ पे 39,270 पे अगर आप ट्रेड लेते तो यहाँ पे आप एग्जिट हो जाते कितना पे 39,382 पे, यहाँ पे फिर से आपको 100 पॉइंट मिल जाता। बट क्या फिर यहाँ पे आपको फिर से ट्रेड लेना चाहिए था, फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, तो ये डिपेंड करता है आप पे, आपके कैपिटल पे, और आप बिगनर हो या फिर एडवांस लेवल हो इस पे। क्योंकि अगर आप एक बिगनर हो तो आपको दिन में मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको दिन में एक से दो ट्रेड ही लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको ट्रेड मिल रहा है तो तीन ट्रेड ले लें, बट ट्राई ये करें कि अगर आप बिगनर हैं तो एक से दो ट्रेड ही डेली ले, क्योंकि इससे आपका क्या होगा कि इससे आपका अगर एक से दो ट्रेड आपने लिया और उसमें से दोनों ट्रेड आपका प्रॉफिट में चल गया तो वेल एंड गुड, अगर आप एक ट्रेड प्रॉफिट में है तो दूसरा ट्रेड लॉस में गया तो इससे क्या होगा कि ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहोगे, क्योंकि लॉस तो छोटा ही रहता है, प्रॉफिट तो आपका 100 पॉइंट का मिलेगा, लॉस तो आपका 20 पॉइंट का होगा, तो इससे आपका क्या होगा कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा एंड धीरे धीरे आप ट्रेड में सीखते जाओगे कि आपको किस तरह से ट्रेड लेनी है, कहाँ पे नहीं लेनी है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एग्जिट यहाँ पे आप मूव करते हैं, देन यहाँ देखो यहाँ फिर से मार्केट ने सपोर्ट लिया और फिर से यहाँ पे बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना, ये ग्रीन कैंडल लगभग 40 पॉइंट का बना है। 40 पॉइंट का ग्रीन कैंडल बनने के बाद आप फिर से चाहते तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, और आपका जो स्टॉप लॉस होता वो क्या होता, वो ये सपोर्ट लेवल स्टॉप लॉस होता, एंड आपका टारगेट इजली यहाँ पे हिट हो गया है कि नहीं, देख सकते हो आप यहाँ पे आपका टारगेट यहाँ पे इजली आपका हिट हो गया है। यहाँ से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, ये देखो इजली आपको यहाँ पे फिर से 100 पॉइंट का टारगेट मिल जाता, और आप इसे मूव करते जाओ तो यहाँ से देखो ये जो रेसिस्टेंस लेवल को यहाँ पे आके तोड़ता है, रेसिस्टेंस लेवल को यहाँ पे आके ये ब्रेक करता है, देन यहाँ से ऊपर जाता है, फिर से ये जो सपोर्ट लेवल था जो रेसिस्टेंस लेवल था वहाँ पे आता है, देन यहाँ पे फिर से ये रेसिस्टेंस लेवल को तोड़ता है। तो यहाँ से आपको समझ जाना चाहिए कि एक बार ये रेसिस्टेंस लेवल को तोड़ के ऊपर गया, फिर ये नीचे आया एंड फिर यहाँ पे ये सपोर्ट लिया जो पिछला रेसिस्टेंस था, तो यहाँ पे आपको ट्रेड लेना भी चाहिए था या फिर नहीं, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने दिन भर में कितना ट्रेड लिया है, कितना लेना चाहिए था। एंड फाइनली मार्केट क्लोज हुआ यहाँ पे आके, जो कि इसका रेजिस्टेंस लेवल था उससे थोड़ा सा नीचे आके क्लोज हुआ। तो अब ये कल के लिए बैंक निफ्टी का क्या मूव होगा, उसके लिए हम पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं।
आज मैं सिर्फ बैंक निफ्टी का एनालिसिस करके ही बताऊंगा क्योंकि आज टाइम बहुत ही कम है, तो फिर कल मैं बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों का एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। तो आज पहले बैंक निफ्टी का ही देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया और आप देखते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए क्या मूव होगा, कल कहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होगा या गैप अप ओपन होगा, और गैप डाउन या गैप अप ओपन होता है तो हमें कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए था, कौन से लेवल पे ट्रेड लेना है, कौन से लेवल पे ट्रेड नहीं लेना है, तो वो सारी चीज़ें अब हम देखेंगे। अब बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए क्या लेवल होगा, अगर बैंक निफ्टी, क्योंकि मैं पहले इसे जूम कर लेता हूं देन आपको बताता हूं, ये इतना मैंने जूम कर लिया। अगर बैंक निफ्टी कल देखो, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लोज हुआ, अगर बैंक निफ्टी 39,380 को ब्रेक करके नीचे आता है देन यहाँ पे आपको सेल करना है, यानी कि यहाँ पे आपको पुट को बाय करना है, और आपका जो टारगेट होगा वो होगा 39,226 का, यहाँ पे आपका टारगेट होगा और यहाँ पे आपको सेल करना है। याद रखिए यहाँ पे जो आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बिल्कुल भी नहीं करना है, ये आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट को ओपन करके रखना है। देन यहाँ पे जैसे ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये इसको ब्रेक कर करके एक कन्फर्मेशन देता है देन यहाँ पे आपको सेल करना है, पुट को बाय करना है, और आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 39,224 के समथिंग 25 के आसपास, एंड दूसरा टारगेट होगा 39,058 के आसपास, एंड तीसरा टारगेट आपका होगा 38,951 के आसपास। तो ये है बैंक निफ्टी के लिए, अगर इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है तो यहाँ पे आपको पुट को बाय करना है, बट अगर इस लेवल को ब्रेक करके ये नीचे आता है एंड यहाँ पे फिर ये 39,225 के आसपास फिर से ये सपोर्ट लेता है एंड यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनता है, यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन मिलता है, देन यहाँ पे फिर से आपको कॉल को बाय करना है, आपका जो पहला टारगेट होगा वो फिर यही 39,376 के आसपास हो जाएगा, 76 के आस समथिंग हो जाएगा, एंड दूसरा टारगेट 39,478 के समथिंग हो जाएगा। ये जो भी लाइन मैंने ड्रॉ किया है ये हॉरिजॉन्टल जो भी लाइन ड्रॉ है ये 39,480 की समथिंग, 39,480, 39,380 एंड ये 39,226, अगर इसे ब्रेक करके नीचे आता है देन यहाँ पे आपको पुट को बाय करना है कन्फर्मेशन मिलने के बाद, वो भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल को चार्ट को ओपन करके रखना है, और जैसे ही 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम का जो कैंडल होगा वो इसे ब्रेक करके अगर नीचे आता है कन्फर्मेशन मिलने के बाद आपको यहाँ पे सेल करना है, पुट को बाय करना है। एंड अगर ये सर जो लेवल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है अगर इस पे कहीं पे भी आके सपोर्ट लेता है एंड यहाँ से ऊपर जाता है ग्रीन कैंडल बनता है तो यहाँ पे आपको कॉल को बाय करना है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बिल्कुल भी बैठा लीजिए कि यहाँ पे सिर्फ आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट को ओपन करके रखना है, और जैसे ही 1 मिनट का टाइम फ्रेम इसे ब्रेक करके एक कन्फर्मेशन देता है देन यहाँ पे आपको पुट को बाय करना है इमीडिएटली, एंड आपका पहला टारगेट होगा वो होगा 39,226 का जो कि ज़्यादा है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे इस लेवल को आप देख रहे हो, ये लेवल 39,281 यहाँ पे भी आप एग्जिट हो सकते हो, यहाँ पे आपको इजिली 100 पॉइंट मिल जाएगा। एंड बट अगर बैंक निफ्टी इस लेवल पे कल आके सपोर्ट लेता है यहीं पे कहीं पे ओपन होता है 39,380 के बीच में, और जैसे यहाँ पे सपोर्ट लेके 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक जो कैंडल होगा वो जैसे यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है देन यहाँ पे कन्फर्मेशन मिलने के बाद मीन कि जैसे ही 1 मिनट का कोई कैंडल बना, यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड दूसरा ग्रीन कैंडल फिर से बना एंड वो बुलिश कैंडल है, देन यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉल को बाय करना है, और आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 39,480 का, एंड दूसरा टारगेट होगा 39,566 का, एंड यहाँ पे आपका इसी तरह से ऊपर का टारगेट होगा। बट अगर फिर ये बैंक निफ्टी कल मानो कि गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हुआ, कल गैप अप ओपन हो गया, यहाँ पे ओपन हो गया, फिर इससे ऊपर ओपन हो गया, तो अगर यहाँ से नीचे आता है तो जैसे ही ये 39,480 को ब्रेक करता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम के कैंडल के हिसाब से, तो यहाँ पे कन्फर्मेशन मिलने के बाद आपको यहाँ पे पुट को बाय करना है, और आपका पहला टारगेट होगा ये एंड दूसरा टारगेट होगा ये। बट अगर ये गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पे कहीं पे आके सपोर्ट लेता है और इसको सपोर्ट लेके यहाँ से कहीं ऊपर जाता है ग्रीन कैंडल बनता है, तो कन्फर्मेशन मिलने के बाद आपको फिर से यहाँ पे कॉल को बाय करना है, और आपका पहला टारगेट होगा ये 39,380 का एंड दूसरा टारगेट होगा 39,478 का। तो ये है एक लेवल, तो इस लेवल को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, और अपने फोन के में आप जो भी जिसमें ट्रेड करते हो, ये ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे मैंने
यहाँ पे चार्ट को एनालिसिस किया। आप जो उसमें भी अपन चार्ट को एनालिसिस करते हो या फिर ब्रोकर के ऐप में या फिर ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन में, आप इस लेवल को ड्रॉ कर लो और जैसे ही एक मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको चार्ट को ओपन करके रखना है एंड देखना है कि मार्केट कल कहाँ पे ओपन होता है कहाँ पे क्लोज होता है। बट जैसे ही ओपन होके ये जो मैंने आपको लेवल बताया इसे ब्रेक करता है कहीं पे भी, तो आपको अगर पुट बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है देन आप पुट बाय करो, कॉल बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है देन आप कॉल बाय करो। तो ये है बैंक निफ्टी के लिए कल का लेवल। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको कहाँ पे कॉल बाय करना है, कहाँ पे पुट बाय करना है एंड आपका टारगेट क्या होगा। एंड स्टॉप लॉस, सबसे इम्पोर्टेंट बात स्टॉप लॉस, मैं आपको स्टॉप लॉस के बारे में बता देता हूँ। अगर यहाँ पे कहीं पे 39,380 पे मानो कि बैंक निफ्टी यहाँ से कहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर जाना स्टार्ट हुआ एक मिनट के कैंडल पे, तो एक मिनट के कैंडल पे जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाना स्टार्ट हुआ एंड दूसरा जो एक मिनट का कैंडल है वो कन्फर्मेशन मिल गया आपको कि हाँ, अगर पहला कैंडल से कन्फर्मेशन मिलता है तो वेल एंड गुड, अगर दूसरा कैंडल पे कन्फर्मेशन मिलता है तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा ये जो देख रहे हैं ना 39,380, इसके सिर्फ 10 पॉइंट नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। ये 10 या 20 पॉइंट नीचे रख लो आप, क्या 20 पॉइंट आप स्टॉप लॉस रख रहे हो, आप 100 पॉइंट का टारगेट है, 1:5 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया, 20 पॉइंट का आप इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख लो, ठीक है। बट अगर आप मानो कि अगर आप कॉल बाय कर रहे हो देन अगर आप पुट बाय कर रहे हो तो इसके ऊपर का 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लो। बट हाँ, स्टॉप लॉस विदाउट स्टॉप लॉस अगर आप ट्रेड करते हो तो आप कभी भी मार्केट से प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाओगे एंड ओवरऑल आप लॉस में ही रहोगे। बट अगर आप स्टॉप लॉस को लेके, स्टॉप लॉस को साथ में लेके, स्टॉप लॉस को लगा के अगर आप ट्रेड करोगे तो देन आई गारंटी, मैं आपको आई श्योर यू कि आपको प्रॉफिट ही होगा, आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही होगे। एक ट्रेड आपका प्रॉफिट में हो गया तो मानो 100 पॉइंट अगर मिल गया, आप एक ही लॉट से ट्रेड करते हो, ठीक है, एक ही लॉट से आपने बाय, एक ही लॉट को बाय किया, 100 पॉइंट मिला, 100 में आपको कितना 40 पॉइंट तो मिल ही जाएगा या 50 पॉइंट मिल जाएगा अगर तुरंत हुआ तो, 50 पॉइंट या 40 पॉइंट मिलता है तो आपको 1000 का प्रॉफिट हुआ एंड आपका स्टॉप लॉस कितना है 20 पॉइंट का, आपका 200 का स्टॉप लॉस होगा, फिर भी तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही हो। तो ये है बैंक निफ्टी के लिए कल का लेवल। देखते हैं कि बैंक निफ्टी कल कहाँ पे ओपन होता है और एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये आपको ट्रेड कल मिल पाता है या फिर नहीं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एनालिसिस करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक कीजिए एंड मेक श्योर स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल भी ना भूलें।